हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं KR चावड़ा एक बार फिर से आपका आयल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। कोई मुझे डाउट वाउट तो पूछने की आपने कसम खा रखी है? कोई भी डाउट का मेरे पास क्वेश्चन नहीं आता है कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया है, आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। बस पढ़ रहे हैं, चार्ज क्या होता है, कैसी चीज़ें होती है, सारी की सारी डिस्कस करने योग्य होती है, पर सबके सब कोई डाउट नहीं पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज है आगे पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइए। हाँ, जैसा कि नए बंदे जुड़ रहे हैं वो सुनते जाइए। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत की चैप्टर जो पहला है, स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है विद्युत प्रेरण, बोलो, या प्रेरण द्वारा आवेशन बोलो, एक ही बात है। गॉट? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक इंडक्शन। दोस्तों ये प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से समझना आपको। कैसे होता है इसमें देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का क्या मीनिंग है? पहली बात तो ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको टेम्परेरी इलेक्ट्रिफाइड करना है, कहने का मतलब है अगर किसी वस्तु को बहुत ही तात्कालिक समय के लिए या बहुत ही अल्प समय के लिए क्या करना है, चार्ज करना है, आवेशित करना है, तो आप मेथड यूज कीजिए। कौन सा? विद्युत प्रेरण वाला या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला। क्लियर? एक समय क्या हुआ दोस्तों, मैं कहीं गांव गया हुआ था तो मेरे फ़ोन की बैटरी अचानक डिस्चार्ज हो गई। तो डिस्चार्ज हुई तो मैंने लगा कि यार अचानक किसी का कॉल आएगा, ऐसा क्या आइडिया मैं करूं जिससे फ़ोन की बैटरी में कुछ 1% क्या हो जाए, बैटरी बैकअप आ जाए। तो मैंने क्या किया, इस प्रिंसिपल को रिमेम्बर किया और मैंने देखा कि वहाँ एक जाल नामक वृक्ष होता है गाँव में, उस जाल के वृक्ष के पत्ते को मैंने तोड़ दिया और उस पत्ते से बैटरी के जो तीन टर्मिनल होते हैं ना, बैटरी पीतल के बने होते हैं, उन तीन टर्मिनल को मैंने रब्ड किया, फ्रिक्शन किया, तो मैंने देखा कि बैटरी 10-12% बैकअप शो कर रही है। और उसकी इसी बैकअप के दौरान में मैं स्टेशन तक पहुँच गया और बाद मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया। तब मेरे को समझ आया कि वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए। तो जरा सुनिए इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर किसी वस्तु को बहुत ही अल्प समय के लिए आवेशित करना है, बहुत ही कम समय के लिए आवेश देना है, तो हम क्या कहेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे, इस मेथड को प्रयोग में लेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, आपको इसका प्रिंसिपल क्या समझना है। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी अनावेशित चालक के समीप, कहने का मतलब है अगर कोई नॉन चार्ज कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसके पास में अगर आप पॉजिटिव छड़ लेकर जाते हो, कहने का मतलब है धनात्मक आवेशित छड़ को लेकर जा रहे हो, तो जो अनावेशित चालक छड़ का जो समीप सिरा है, जो नियरेस्ट एज है नॉन कंडक्टिंग रॉड का, उसके ऊपर आएगा जो नज़दीक छड़ लाए हो उसका ओपोजिट चार्ज, और उस छड़ का जो फार सिरा है, मतलब जो दूरस्थ उपस्थित एज है, उसके ऊपर क्या आएगा, उसका सिमिलर चार्ज। ये कहता है ऐसा प्रिंसिपल। देखिए मैं इसको समझाता हूँ एक एक्सपेरिमेंट से। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक कंडक्टिंग रॉड ली, क्लियर, और इसको मैंने एक वर्टिकली स्टैंड के द्वारा एडजस्ट कर दिया। गॉट? अब ये कैसा है, ये है अनावेशित चालक। कैसा है? अनावेशित चालक मतलब हम कहेंगे नॉन चार्ज कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है? अब ये वेनिका पूछ रही है कैसी बात कर रहे हैं सर, अरे ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर आवेश नहीं, इसके अंदर आवेश है, चार्ज है, पर कितना, इसका मतलब ये है प्लस का 10 कूलम और माइनस का 10 कूलम, टोटल कितना हुआ, 0। तो आवेश तो है, चार्ज तो है, पर टोटल चार्ज कितना है, 0। ये मतलब है इसका, कहने का मतलब अनावेशित चालक, तो चालक कंडक्टर तो है ही जाए, पर टोटल चार्ज क्या है उसके अंदर, 0 है, निल है। क्लियर? तो ये ऐसी मैंने एक ऑब्जेक्ट या छड़ को दो वर्टिकल स्टैंड या ऊर्ध्वाधर स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित कर दिया।
ठीक ओके। अब मैंने क्या किया कि इसके समीप एक पॉजिटिव छड़ लेकर आया, इसके नज़दीक में नियर टू दी एच, ये मान लीजिए नाम दे देता हूँ ए और ये नाम दे देता हूँ बी। ये जो अनावेश चालक छड़ है इसके समीप में मैं धनात्मक छड़ लेकर आ रहा हूँ, पॉजिटिव ग्लास रॉड कह सकते हैं अपन इसे। मान लीजिए ये कौन सी छड़ है, कांच की छड़ है, ग्लास रॉड है, क्लियर। मैं इसके पास लेकर गया, तो क्या तुम ये जानते हो ये कंडक्टर है, कंडक्टर, और कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ अगर मैं आप सबके सामने यहाँ काजू की कतलियों का भरा एक भंडार रख दूँ तो सबके सब उसके ऊपर टूट पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे, बिल्कुल पड़े। राम निवास कह रहा है मैं तो अकेले ही खा जाऊँगा सबके सब, वेरी गुड राम, ऐसे नहीं करना है, लोकतंत्र है सबको खिलाना। तो मुझे बताइए एक कंडक्टर के अंदर, एक चालक के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव के कारण क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन अब बाहर, उनकी हिम्मत तो है नहीं कि इसको चीर के या इसको फाड़ के बाहर आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिपोजिशन, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो बताइए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए। ये क्यों हुए, क्योंकि इस पॉजिटिव का इसके ऊपर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे, जो यहाँ था, जो किसी की बाढ़ जो रहा था, वेट कर रहा था, वो भी क्या होने लगा, अट्रैक्ट होकर इधर आने लगा। अब बेचारे इधर तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो मुझे बताइए अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मैंने पढ़ाया पीछे, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। तो ये क्या शो कर रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये जो दोनों आवेश आए हैं, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, इसका नाम होगा प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश का मतलब है इंड्यूस्ड चार्ज, क्या नाम होगा, इंड्यूस्ड चार्ज। तो कहने का मतलब ये सब क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव हैं वो तो सबसे ज़्यादा यहाँ एक्यूमुलेट हो गए, तो इधर वाला जो एज है, किनारा है, वो तो हो गया नेगेटिवली चार्ज, और इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो हम कहेंगे कि इस अनावेशित चालक छड़ के अंदर दो टाइप के आवेश या दो प्रकार के आवेश क्या हो गए, उत्पन्न हो गए, और इन दो प्रकार के उत्पन्न आवेशों को अपन इंड्यूस्ड चार्ज या क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं। अब सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो चार्ज है ना, ये छुपे रुस्तम है। छुपे रुस्तम का क्या मतलब है, कहने का मतलब है ये ईश्वर की तरह है, जब आप इसे पुकारते हो तब हेल्प करने आते, नहीं तो नहीं आते। कहने का मतलब है कि अगर आप इस ग्लास रोड को रिमूव कर दो, यहाँ से हटा लोगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएंगे, कौन, इंड्यूस्ड चार्ज, और ये अनावेशित कंडक्टिंग जो छड़ है, रॉड है, वो ऑटोमेटिक अपना इनिशियल स्टेज या प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। तो कहने का मतलब वो तो पहले भी वैसी थी, हमने जस्ट इसको क्या किया, टेम्प्रेरी इलेक्ट्रीफाइड किया, और इसे अपन क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्लियर। तो ये बात आपको समझनी थी कि हमने इसको कैसे समझा। इसके आगे की एक और कंडीशन है, उसको हम अगले टॉपिक में समझेंगे दो स्पेयर की हेल्प से, ठीक है। फिर उस स्पेयर में क्या क्या केसेस बनेंगे वो हम सब पढ़ेंगे। आप धीरे 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 इन टॉपिक्स को समझते जाइए, और यहाँ से हम एक प्रिंसिपल बाहर डिस्कवर करके लेकर आ रहे हैं, खोज के लेकर आ रहे हैं कि अगर किसी अनावेशित चालक छड़ के समीप, अगर किसी अनावेशित चालक के समीप नॉन चार्ज कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास में अगर कांच की छड़ या धनात्मक छड़ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाया जाए
तो जो नियर एज है, जो इसके समीप वाला किनारा है, उसके ऊपर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो फार है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये लक्षिता कह रही है अगर नेगेटिव लाते तो, नेगेटिव लाते तो इधर पॉजिटिव आ जाते, इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल होके इधर जमा हो जाते, तो स्वैप हो जाता वो मेथड। क्लियर? तो ये चीज आपको समझनी, इस तरह से इंडक्शन होता है, और हम स्फीयर की हेल्प से समझेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और क्या कंडीशन है बच्चों, शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो, आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पहुँचे, सो रहे हैं 12-12 बजे तक तो बच्चे, अभी भी उनको ये नहीं पता। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।